अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपको खुश आमदी। टॉप 5 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड 2022 में 5 अमीर तरीन अफराद। नंबर 5, मुकेश अंबानी, नेटवर्थ 97.7 बिलियन डॉलर्स। नाजरीन, आज 2022 में दुनिया के सबसे अमीर अफराद में से हमारे पास 5वें नंबर पर भारत से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी आते हैं, जिन्हें ये एजाज जाता है ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे एशिया के अमीर तरीन आदमी थे। 65 साला मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। ये इनके वालिद धीरूभाई अंबानी ने शुरू की थी और इनकी कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो गई थी और ये कंपनी 2,36,650 अफराद को रोजगार दे रही है और इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है। अंबानी को ये भी एजाज हासिल है कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मालियत रखने वाले घर के मालिक हैं, जिसकी $1 बिलियन मालियत है। नंबर 4, लैरी पेज, नेटवर्थ 105 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, हमारे नंबर 4 पर लैरी पेज आते हैं और ये गूगल के को फाउंडर हैं, जिन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर गूगल की बुनियाद रखी थी और ये दोनों 48 साल के हैं और सेंटी बिलियनर हैं। और लैरी ने आगे जाकर साल 1995 में एक ऑनलाइन सर्च इंजन बना लिया था जिसका नाम था बैकरब। और आगे चलकर लैरी ने अमेरिका के मशहूर आईटी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक और जहीन लड़का ढूंढ लिया था जिसका नाम था सर्जी ब्रेन। और इसकी मदद से लैरी पेज ने अपने सर्च इंजन को मजीद बेहतरीन बनाया और ये आगे चलकर google.com की शक्ल में सामने आया। अगर आप इनके बारे में मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 3, बिल गेट्स, नेटवर्थ 127 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, बिल गेट्स को ये एजाज जाता है कि ये साल 1992 से साल 2000 तक दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन आदमी रहे और ये आज 2022 में भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आते हैं। बिल गेट्स की बनाई हुई सारी दौलत इनकी बनाई हुई अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई है, जो कि उन्होंने अपने जमाना तालिब इल्मी में ही बना ली थी। ये दुनिया की सबसे पहली और बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी और इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट विंडोज़ हैं। नाजरीन, याद रखें कि हम तो अपने कंप्यूटर के लिए 100-200 वाली सीडी लेकर आते हैं, लेकिन इसमें अक्सर चोरी की विंडोज़ होती हैं। लेकिन ये सहूलत अमेरिका या यूरोप में नहीं होती। जब भी वहाँ के लोग नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो उनको विंडो भी खरीदनी पड़ती है, जो कि $300 से $400 की आती है और आज के दौर में उनकी लगभग कीमत $900 से $1,000 हो चुकी है। पाकिस्तानी करेंसी में 2 लाख के करीब बन जाती है। बिल गेट्स ने विंडो के जरिए अरबों डॉलर्स कमाए और इससे इसने बहुत सारे कामयाब बिजनेस को भी खरीदा, जिसमें गेमिंग कंपनी वगैरह भी शामिल हैं और वीडियो कॉल्स की ऐप वगैरह भी शामिल हैं। और उन्होंने पोलियो की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दी थी और पाकिस्तान में 2021 में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया। और पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल गेट्स को पाकिस्तान आने की दावत भी दी थी और इनको हलाले पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया। और बिल गेट्स ने अपनी बीवी से भी अलीहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि इन दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं था। और इसकी बड़ी बेटी जेनिफर गेट्स ने एक मिस्री मुसलमान लड़के से भी शादी कर ली और आजकल वो मिस्र में ही रह रही हैं। नंबर 2, जेफ बिजोस, नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर्स। नाजरीन, 1994 में जेफ बिजोस सालाना लाखों डॉलर्स की एक नौकरी कर रहे थे और उनको रातों रात एक आइडिया आया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जेफ बिजोस की बीवी और बाकी ये समझते कि ये अपनी जॉब से तंग आ चुके हैं या इनका जहनी तवाज़ुन खराब हो चुका है, मगर जेफ बिजोस ने 1994 में ही आने वाली दुनिया को देख लिया था और उसने सोच लिया था कि आने वाली दुनिया में लोग कोई भी चीज़ खरीदने के लिए दुकान पर नहीं जाएंगे, बल्कि ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने घर से बैठे बैठे ही ऑर्डर करके मंगवा लेंगे।
जेफ बेजोस ने अपने माँ बाप और कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर अपने घर के गैरेज में बैठकर amazon.com नामी एक वेबसाइट का आगाज किया, जहाँ लोग ऑर्डर करके बुक्स वगैरह ऑनलाइन खरीद सकते थे। सारी दुनिया गलत साबित हुई और ये गंजा आदमी सही साबित हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता जेफ बेजोस इसमें जरूरियात जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों का इजाफा करता गया और अमेज़न 2021 में आज के दौर में 16,08,000 अफराद का रोजगार बन गया है, जिसमें 9,50,000 अफराद का ताल्लुक अमेरिका से है और जेफ बेजोस का सबसे बड़ा दुश्मन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, जिसकी वजह से जेफ बेजोस की तलाक भी हुई थी। नंबर 1, इलॉन मस्क, नेटवर्थ $268 बिलियन। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये ना जानते होंगे तो हम आपको बताते चलें कि $1 मिलियन में 19 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होते हैं और 1 बिलियन में 19,000 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है जो कि 268 बिलियन डॉलर्स का मालिक है। इलॉन मस्क इतना अमीर है, इसने जब देखा ट्विटर कंपनी इसके मुताबिक नहीं चल रही तो इसने $44 बिलियन में ट्विटर कंपनी खरीद ली। और आपको सुनकर हैरत होगी कि एक बार इलॉन मस्क की नेटवर्थ $340 बिलियन भी हो चुकी थी। $1,000 बिलियन का मालिक होगा। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, एक साइंसदान भी है जो कि हमारी दुनिया को बचाने में लगा हुआ है। और इसने इलेक्ट्रिक कार्स भी तैयार की और इसने स्पेस ट्रेवल की कंपनी भी तैयार करवाई जो कि सस्ते दामों में रॉकेट फ्राहम करती है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कला